तो गाइज आज हमारे पास आ चुका है सैमसंग का फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड 6 kg का वॉशिंग मशीन। तो चलिए इसका हम एक क्विक इंस्टॉलेशन ओवरव्यू दे देंगे और एक कपड़ा भी साफ़ करके देखेंगे कि इसमें कैसा साफ़ होता है, कंप्लीट ओवरव्यू देंगे। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि शेपिंग बोल्ट्स होते हैं 4, उसे हटा लेना है। वो इंस्टॉलेशन गाइड में आप देख के हटा सकते हैं। उसके बाद पानी का जो इनलेट है उसे वॉशिंग मशीन में कनेक्ट कर देंगे और इस तरह का जो दिखा रहे हैं ये शिपिंग बोल्ट्स होता है उसे हटा लेना, नहीं तो आपका वॉशिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा सेक करेगा। और ये जो इनलेट होता है उसे वॉशिंग मशीन में सेट कर लेंगे और किसी भी नल में एक इसका दूसरा पोर्ट होता है इनलेट का, उसे लगा लेंगे और उसके बाद इसे हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये पानी के इनलेट के लिए इस्तेमाल होगा। और उसके बाद पानी का जो आउटलेट है उसे आप जहाँ कहीं भी पानी बहाना चाहते हैं वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, उससे पानी आपका बह जाएगा। तो चलिए अब आगे की चीज़ें भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले कपड़ा साफ़ करने के लिए ये जो प्लग है इसे हम सॉकेट में लगा देंगे और उसके बाद चलिए हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। ये ऑन हो जाता है और इसमें एक छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें हम देख सकते हैं कि कपड़ा कितना देर से साफ़ होगा या फिर कोई भी इरर आता है तो वो यहीं पर डिस्प्ले होता है। और इसमें हमें बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं इस नॉब को घुमा के। जैसे ये क्विक वाश हो गया, 15 मिनट में साफ़ हो जाता है, डेली वाश नॉर्मल के लिए। और भी बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे अगर हमें सिर्फ रिंस और स्पिन करना है तो ये कर सकते हैं और सिंपली स्पिन करना है तो ये कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कपड़ा साफ़ करेंगे डेली वाश पे और देखेंगे कैसा साफ़ होता है। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, किस टेम्परेचर पर हम कपड़ा चेंज करना चाहते हैं, कितना स्पिन पे करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। ये हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा वाटर का और भी कुछ ऑप्शन है। और अगर हमें डिले करना है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन मिल जाता है और एक सोक करना है उसके लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए अब साफ़ करके देखते हैं कपड़ा कैसा है। यहाँ पे देखिए तो ये कपड़ा काफ़ी गंदा हो चुका है और इसे हम आज साफ़ करेंगे डेली वॉश मोड में और दिखाएंगे आपको कि साफ़ करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितना साफ़ हुआ। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं और इसमें सारे कपड़ों को डाल देंगे जो भी कपड़े हमें साफ़ करने हैं। तो हम एक शर्ट, एक पैंट और एक ब्लैंकेट डाल रहे हैं। चलिए इसे डाल देते हैं और इसे हम कर देते हैं बंद और इसे हम टेम्परेचर नॉर्मल 40 कर देते हैं, स्पिन सेट कर देते हैं 800, ठीक है, और बाकी सब कुछ ठीक। चलिए इसमें हम वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगा, इतना वॉशिंग पाउडर इनफ है। इसे हम बंद कर देते हैं और अब हम इसे क्विक डेली वॉश पे, ये ऑलरेडी सेट है, 64 मिनट टाइम दिखा रहा है। और चलिए हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के लिए मोड सेलेक्ट करके सिंपली स्टार्ट बटन दबा देना है तो ये साफ़ होने लग जाएगा। और ये साफ़ होने लग गया, ये ब्लिंक करने लग गया, इसका मतलब प्रोसेस चालू हो गया। और हम देखते हैं कितना देर में ये साफ़ हो जाता है। देख सकते हैं कपड़ा साफ़ हो गया। तो चलिए हम खोल के देख लेते हैं कपड़ा कितना साफ़ हुआ है। सबसे पहले ऐसे खोलना है, कपड़े जो आपके होते हैं 80-90% ड्राई हो चुके होते हैं। तो आप अगर इसे सिंपली रूम में भी डाल दोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि ये ब्लैंकेट हमने डाला था ये काफ़ी ड्राई हो चुका है पहले से। और ये शर्ट हमने डाला था, शर्ट आपने देखा था कि उस समय कितना गंदा था। तो अभी चलो देख लेते हैं इसे, ये देखो कुछ इस तरीके से साफ़ हो गया, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। तो चलो जब ये सूखेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और भी कपड़े हैं जिसे हम अब सूखने के लिए थोड़ी देर डाल देंगे बाहर। ये देखिए ये जो पैंट था या फिर ये जो शॉर्ट्स थे ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।